que ya vegetín. ¿Qué era de vegetineo? Hey everyone, welcome back to my new blog. स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे YouTube चैनल नीतू जीतू में। तो होप करती हूँ गाइस आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के ब्लॉग कुछ ऐसा है कि जैसे कि मैंने बताया था कि हम लोग आए हुए हैं कोल्हापुर और हम शादी में आए हुए थे, तो शादी तो कंप्लीट हो चुका है, घूमना भी ख़त्म हो चुका है और फाइनली अब जाने का भी टाइम आ चुका है। तो आज सुबह में ही हमारी ट्रेन है और अभी सुबह के 3 बज रहे हैं और हम लोगों को 5 बजे ही निकलना है, क्योंकि हम लोगों को कोल्हापुर से हुगली भी जाना है। हुगली में हमारा ट्रेन है, तो इतना कोल्हापुर से हुगली जाने के लिए जो गाड़ी है वो मतलब आ चुकी है और यहाँ से ऑलमोस्ट 3 आवर्स लगेंगे, तो हम लोगों को थोड़ा पहले ही निकलना पड़ेगा। बहुत मिस करेंगे कोल्हापुर को, बहुत इंजॉय किया, सच में बहुत मज़ा आ गया। सारे पैकिंग भी हो चुके हैं, सारे सामान हम लोगों ने रख लिया है और मैं आपको रास्ते का भी वीडियो दिखाऊंगी, जो कि यहाँ की सिनारियो बहुत सुंदर है। यहाँ के रास्ते, यहाँ के पहाड़ बहुत मस्त दिख रहे थे, जो कि मैं आपको दिखाऊंगी जाते वक्त। आप भी इंजॉय करो क्योंकि हम लोगों ने तो बहुत इंजॉय किया था। तो गाइस घर से हम लोग निकल चुके हैं और आप देख सकते हैं मैं रास्ते में हूँ और यहाँ के पेड़ पौधे, हरियाली, इतने बड़े बड़े पहाड़, वाओ, यहाँ के रास्ते अमेजिंग, बहुत मस्त दिख रहे हैं, मुझे तो ये बहुत अच्छे लग रहे थे। और सच बताऊँ तो मैं आपको ये एडवाइस ज़रूर करूँगी कि आप कभी भी कोल्हापुर आओ तो ये सारी जगह घूमकर ज़रूर जाना, बहुत अच्छी जगह है, मैंने काफ़ी इंजॉय किया था। तो होप करती हूँ कि आप भी आओगे तो आप भी यहाँ बहुत इंजॉय करोगे, मैंने तो बहुत ही मिस किया, आई मीन मिस करूँगी। और ये एक होटल है जो कि हम लोगों ने आधे रास्ते में हम लोग रुक करके इस होटल में गए थे खाना खाने के लिए। यहाँ का खाना बहुत ही टेस्टी था, बहुत ही स्वाद था खाने में, सच में बहुत अच्छा था, मज़ा आ गया। और सही बताऊँ तो ये होटल यहाँ का काफ़ी नामी भी है, ये मतलब यहाँ से जो भी जाते हैं लोग ये आधे रास्ते में आता है ये होटल। तो हम लोगों ने यहाँ पर खाना भी खाया था, मतलब ब्रेकफास्ट किया था और काफ़ी पसंद आया था। तो आप भी अभी कभी भी यहाँ आओ तो आप यहाँ पर ज़रूर खा सकते हो, ट्राई कर सकते हो, हमें तो बहुत पसंद आया था। फिर गाइस हम लोग तो पेट पूजा किए, पेट पूजा करने के बाद फिर हम लोग यहाँ से निकल गए और इसके बाद हम लोग एक फ्रूट्स की दुकान पर आए जहाँ पर बहुत अच्छे जी ताज़ी फ्रूट्स मिल रहे थे। तो फिर हम लोगों ने फ्रूट्स भी ख़रीदा और बहुत पसंद आया। और ये सीताफल, ये तो मेरा फेवरेट है, मैं बहुत पसंद करती हूँ सीताफल को, तो हम लोगों ने सीताफल ढेर सारा लिया ताकि ट्रेन में हम लोग खा पाए। तो गाइस फाइनली हम लोग स्टेशन पहुँच चुके हैं और सच बताऊँ तो यहाँ का स्टेशन बहुत ही सुंदर है, बहुत ही क्लीन है, यहाँ की साफ़ सफाई भी बहुत अच्छी है, सच बताऊँ तो मज़ा आ गया। और यहाँ पर तो जैसे जो लोग लोकल में जाते हैं, जो कि मतलब लोकल जॉब करते हैं, वो अपने सारे बाइक यहाँ पर रख के जाते हैं। आप देख सकते हो कितनी सारी बाइक है यहाँ पर और ये मतलब बहुत अच्छा दिखता है, यहाँ का मतलब स्टेशन बहुत ही मस्त दिख रहा है। और यहाँ महात्मा गांधी का भी बहुत बड़ा सा मूर्ति रखा हुआ है जो कि बहुत सुंदर दिख रहा है। और स्टेशन तो क्या बताऊँ, सच में बहुत मस्त है, बहुत अच्छा है। तो होप करती हूँ गाइस आपको ये व्लॉग बहुत पसंद आया होगा, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको हमारे ये व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें,
एंड सब्सक्राइब करना ना भूले हमारे चैनल को, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करना ना भूले ताकि मेरे आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते, आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू।